मैं आज यहाँ पर है ना एक स्वीट डिश बना रही हूँ जिसमें मैं शुगर और गुड़ का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। ये हेल्दी भी होता है। तो कुछ खजूर रखे थे मेरे पास में, और इसमें मार्केट से लाते तो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती है, किसकिसाहट सी आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लूँगी। और इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी, वैसे तो आप सभी इस स्वीट डिश के बारे में जानते होंगे, पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें ना धोने के लिए भी पानी डाला, आप देख सकते हैं इसमें कितनी डस्ट होती है, तो इसे है ना बनाने के पहले हमें ज़रूर धो लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे खजूर को है ना अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी देखिए कितने साफ़ लग रहे हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, ये पिस्ता, काले किशमिश, काजू, अखरोट और ये वाली किशमिश, और ये है फिग, अंजीर, और कुछ सीड्स भी लिए हैं मैंने, और मैंने कुछ सीड्स भी लिए हैं, तो ये है सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड है, और ये है वाटरमेलन सीड्स, और ये है पम्पकिन सीड। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इन सबको गूगल करेंगे ना इन सबको, तो इनके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैं इन सबको ना हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करूँगी। नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, पर क्या हल्का सा मॉइस्चर होता है, और अगर आपको है ना अपनी ये स्वीट डिश जो भी बना रहे हैं लड्डू या मिठाई, तो इसमें क्रंच आता है, तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, बिल्कुल रफली चॉप किया है। तो यहाँ पे बादाम, अब एक एक करके मैं सारे आइटम डालूंगी। ये रहे काजू, ये रहे पिस्ता, ये भी मिला देती हूँ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बस इसको कब तक भूनूंगी मैं, तब तक मुझे ऐसा हल्का सा लगेगा ऐसे क्रंच टाइप का आ गया है, तब तक भूनूंगी। तो देखिए यहाँ पर है ना हल्की सी खुशबू आने लगी, और आपको इसमें ना ये जो सीड्स भून रहे हैं इसकी आवाज़ भी आ रही होगी चट चट की। ठीक है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना घी गरम होने के लिए रख दिया है। घी आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, तो अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में डाल लूँगी। ये रहे मेरे खजूर, और मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, बस ऐसे बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि मुझे इसके चंक्स पसंद है थोड़े मोटे मोटे से, इसलिए अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो अभी मुझे भूनते भूनते लगभग 1 मिनट हो गया है, और इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसको हमने धोया था, तो इसका पानी उड़ने तक हमें अच्छे से भूनना है। एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम समझ जाएंगे कि ये भून चुका है अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से भून गया है, इसमें एक शाइनिंग भी आ गई है अच्छी सी। अब मैं इसमें सारे सीड्स डाल दूंगी, और जो भी ड्राई फ्रूट थे वो सारे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं भी किसा हुआ नारियल भी डालूंगी,
और जो हमारी किशमिश और अंजीर रखे हैं वो भी मिक्स करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर किस्सा वाला नारियल ले लिया है और ये दोनों तरह की किशमिश और अंजीर भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसे बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें जायफल डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खुशबू की इलायची डाल दी है, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पकाने की इसे ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया था। और जो खजूर है, पिंड खजूर, उसको हमने भूंज के उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सुखा ही दिया है। बस एक थाली में आप घी से ग्रीस करके इसको जमा सकते हैं या फिर चाहें तो इस तरह से अपने मन पसंद साइज़ के लड्डू भी बना सकते हैं, इस तरह से अच्छे से गोल करके। छोटे बड़े कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। मैं इसे बर्फ़ी का शेप दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको थाली में अच्छे से ग्रीस करके घी से और अच्छे से दबा दबा के सेट कर दिया है। 15-20 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर इसे मैं कट लगा करके इसकी बर्फ़ी जैसा क्यूब्स जैसा काट के और इसे रख लूँगी। और इसे आप रोज़ खा सकते हैं, बाहर के एनर्जी बार से कहीं ज़्यादा अच्छा है ये। घर में इस तरह के ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी बना लेना क्योंकि इसमें ना तो शुगर है किसी प्रकार की और ना ही गुड़ है। तो इस तरह से लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। मैंने सोचा मैं लड्डू ही बना लेती हूँ। तो देखिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।